दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 49 के लोगों में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके के लोगों को मालूम हुआ कि एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या की और बाद में फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौके से पुलिस को धारदार हथियार के साथ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। यह है गुरुग्राम के सेक्टर 49 के उपल साउथ एंड सोसाइटी के एस ब्लॉक का हाउस नंबर 299 का ग्राउंड फ्लोर। इसी घर के ग्राउंड फ्लोर में डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जो कि रघुनाथपुरा थाना बाबरपुर के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी पत्नी कोमल और दो बच्चों बेटी अदिति व पुत्र आदित्य की हत्या की और फिर बाद में खुदकुशी कर ली। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक बीती रात को डॉक्टर प्रकाश सिंह ने अपनी पत्नी एवं बेटी अदिति और बेटे आदित्य की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली, यानी दूसरे कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस को जांच के दौरान मृतक डॉक्टर प्रकाश सिंह के जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें लिखा था कि वो अपने परिवार को सही तरीके से नहीं चला पाए, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर, जो कुछ भी हुआ इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं था, वह खुद जिम्मेदार है। जिस इलाके में डॉक्टर प्रकाश सिंह अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे या वो गुरुग्राम का हाई प्रोफाइल इलाका है। पुलिस का ये भी कहना है कि मौके से उन्होंने दो धारदार हथियार बरामद कर लिए हैं और मृतक के परिजनों से पूछताछ हो रही है। हालांकि मामले में पुलिस हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू करेगी। सुसाइड नोट पर आज की तारीख लिखी हुई है जिसमें एक बात साफ हो जाती है कि पूरी घटना रात 12 बजे के बाद की है। बताया जा रहा है कि मृतक डॉक्टर प्रकाश सिंह उम्र 50 साल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी कर रहा था, जबकि मृतक पत्नी सोनू उर्फ कोमल एक निजी स्कूल चलाती थी। मृतक बेटी अदिति उम्र 18 साल ग्रेजुएशन कर रही थी और मृतक बेटा आदित्य उम्र 15 साल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। ये लोग 3 BHK फ्लैट में रहते थे। एक ही कमरे में दोनों बच्चों और पत्नी का शव पुलिस को मिला, जबकि पति श्री प्रकाश का शव पुलिस को ड्राइंग रूम में सीलिंग फैन से लटका हुआ मिला। फिलहाल डॉक्टर प्रकाश सिंह ने अपने पूरे परिवार की हत्या अकेले कैसे की, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पड़ोस के लोग भी परेशान हैं कि कल तक जो परिवार उनके साथ था आज पूरे परिवार की हत्या हो गई है। पड़ोसी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे हुआ ये सब। भाई अपना नाम बता दीजिए। नरेश यादव नाम है जी, फाजिलपुर से है। यादव जी, आपके यहाँ ये मृतक का सोनू स्कूल चलाते थे, क्या कुछ जानकारी है? देखो सर, ये 6-7 साल से हमारे स्कूल चला रही है, NGO टाइप स्कूल है इनका, और हमारी मुलाकात तो बहुत कम ही होती थी इनसे। बाकी हमें पता लगा कि उनके केयर टेकर कहने लगे कुछ हादसा हो गया है, तो हम आए यहाँ पे। क्या पता लगा आपको, क्या घटना हुई? यही पता लगा था, उन्होंने फ़ोन वगैरह किया होगा बच्चों ने किसी ने, तो उन्होंने ये बताया कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए फिर आए हैं यहाँ पे, तो पता लगा फिर यहाँ पे। अच्छा, क्या ऐसा कुछ लगा कभी कि मैडम परेशान रही हो घर में, कोई कलह? नहीं नहीं सर, हमारी कोई फिजिकल मुलाकात तो थी नहीं, तो महीने में कभी एक आधी बार मुलाकात हो जाती थी, जस्ट ऐसा कुछ नहीं था बस। अच्छा, कितनी क्लास तक इनका स्कूल है, कब से चला रहे हैं? ये नर्सरी से 8 तक है, NGO टाइप स्कूल है, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। इस बारे में कुछ जानकारी दी, घर पे क्या चल रहा है? नहीं नहीं, नहीं सर, हमारा तो पर्सनल उससे लेना देना नहीं ना किसी से। अच्छा। तो बस वही था कि गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, अच्छा काम कर रही हैं, यही अच्छा था सभी के लिए। व्यवहार अच्छा था, बहुत अच्छा व्यवहार था। शायद सुनने में था कि शायद उनके हस्बैंड थे वो थोड़े से गुस्से वाले थे। ये हाँ जी, ठीक फोटो। अपना नाम बता दीजिए। जय भगवान। जय भगवान जी, क्या देखा था आपने सुबह? सुबह हम आए यहाँ तो देखा तो अंदर से पूरा लोग है, और उसको बुलाया, जो एक लड़के को बुला के दरवाज़ा खुलवाया है। खुलवाने के बाद देखा तो खिड़की से ही खोल के अंदर झाँका उसने, तो देखा तो कौन से लथपथ है, बेटी को देखा है। उसके बाद RW से कारपेंटर को बुलाया, कारपेंटर का दरवाज़ा खुलवाया उसको, वैसे अंदर से सारे दरवाजे लॉक थे। अच्छा, लोग यहाँ RW कारपेंटर से खुलवाने के बाद लोग को तोड़वाया, अंदर गए हैं तो बेटी बेटी और बेटा ज़मीन से नीचे पड़े हैं, खून से लथपथ हैं, और धार धार हथियार और हैमर उनके पास गिरा हुआ है, और हथौड़ा भी था, और धार धार एक चाकू था काफ़ी बड़ा, और कपड़े से डेड बॉडी तीनों ढकी हुई है, और जो जेंट्स है उसने सुसाइड पंखे से लटका हुआ है। सर, जो घटना सामने आई है क्या है? हाँ, ये उपल साउथ एंड का मामला है, एक परिवार रह रहा है यहाँ पे 299 नंबर पे। तो सुबह उनकी नौकरानी को पता चला कि जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो अंदर पुलिस को सूचना मिलने पर हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे 4 डेड बॉडी हमें मिली हैं, प्रकाश सिंह की, उनकी बीवी कोमल की, और उनके 2 बच्चे हैं आदित्य और अदिति। प्रकाश सिंह जी की बॉडी हैंग हुई है, और उनकी वाइफ कोमल और 2 बच्चे आदित्य और अदिति की डेड बॉडी एक कमरे में मिली है, जिसके इंजरी मार्क्स हैं। सर, वेपन्स मिले हैं कुछ अंदर से? जी जी, अभी सर्च जारी है,
कुछ वेपन मिल गए हैं और हो सकता है और भी कुछ बरामद हो जाए। प्रकाश सिंह जिनकी हैंग की हुई बॉडी हमें मिली है, उसकी जेब से एक नोट बरामद हुआ है। नोट में उन्होंने संक्षेप में लिखा हुआ है कि मैं सबकी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं और इसमें किसी और का कसूर नहीं है, और साइन किए हुए हैं आज की तारीख के। वजह अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रकाश सिंह क्या करते थे? प्रकाश सिंह कुछ समय पहले तक सन फार्मा में कार्यरत थे। अभी तक पता चल रहा है कि शायद कुछ टाइम से वो ऑफिस नहीं जा रहे थे और रेजिग्नेशन थी या नौकरी से निकाला था या कुछ ऐसी बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। सर, क्या हत्याएं और जो सुसाइड की है, ये आज की डेट में की है, मॉर्निंग में या नाइट में? सुसाइड नोट में आज की तारीख का उल्लेख है, 1 जुलाई 2019 का। सर, ऐसे कोई एविडेंस मिले कि पहले कोई नशीली दवाई खिलाई गई हो? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।